हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम योर बायोलॉजी टीचर रक्षा भट्ट. नाउ लेट अस कंटिन्यू चैप्टर नंबर 1 एंड आवर टॉपिक इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. ओके, व्हाट इज कैटेगरी? कैटेगरी मींस ग्रुप्स. ओके, क्योंकि ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग ग्रुप में यहाँ पे रखते बेटा. टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब क्या है कि मम्मी सपोज घर के अंदर यूटेंसिल्स का रैक होता है ना, तो उसके अंदर सारे यूटेंसिल्स को कैसे अरेंज करते हैं? कि भाई स्पून का रैक अलग जगह पे होता है, कि भाई स्पून की जो जगह है रखने की वो स्पेशल होती है, छोटी सी जगह होती है ना बेटा, क्लियर? फिर उससे बड़े कोई कटोरी होती है, कटोरी की जगह पर उसकी अलग होती है, स्पून की जगह पे कटोरी नहीं रखती है. ओके, क्लियर? और सारी प्लेट होती है, थालियां होती है, उसकी जगह रैक में अलग जगह होती है, क्लियर? दैट इज नोन एज कैटेगरी. कि मम्मी यूटेंसिल्स को घर पे कैटेगरी के हिसाब से अरेंज करती है रैक के अंदर, है ना बेटा. तो यहाँ ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर अरेंज किया है, दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. ओके, क्लियर? टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन. हियर क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक, दैट इज टैक्सोन. मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि आपके घर के अंदर कोई बाहर का पूछने के लिए आए कि भाई घर के अंदर कितने कैंडिडेट है, टोटल 10 कैंडिडेट है, क्लियर? तो उसमें आपको बोले चलो आप हायरार्की के फॉर्म में सबका नेमिंग दो, तो आप कैसे बोले कि हायरार्की के फॉर्म में मतलब कि घर के अंदर सब बड़े बुजुर्ग होते हैं, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, तो उसका नाम पहले आता है. तो हायरार्की में सबसे ऊपर कौन आता है? कि हमारे घर के अंदर जो एल्डर पर्सन होते हैं वो आते हैं बेटा. सबसे एल्डर कौन होता है? हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर. पहले उनका नाम दिखाते हैं, बाद में किसका नाम लिखाते हैं? आपके पेरेंट्स का नाम, मॉम डैड का नाम. बाद में किसका नाम लिखाते हैं? बाद में आपका नाम लिखाते हैं. समझ में आया? तो आपके घर की टैक्सोनॉमिक हायरार्की कौन हुई? सबसे छोटा सा यूनिट कौन हुआ? आप. बेसिक यूनिट कौन हुआ? आप. और सबसे बड़ा सा यूनिट कौन हुआ? आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर. समझ में आया बेटा? तो बट सेम वे हियर ऑर्गेनिज्म का जब हम टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट करते हैं तो उसके अलग अलग ग्रुप में अरेंज करते हैं. ओके, तो दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की. हायरार्की का मतलब क्या? सबसे ऊपर कौन होगा? एकदम हायर लेवल का यूनिट होगा, दैट इज किंगडम. और सबसे नीचे कौन होगा? स्पीसीज होगा. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, तो भी ये क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है? क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप. ये स्टेप्स है, अलग अलग स्टेप्स है. उसको हम ग्रुप भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? ग्रुप बोल सकते हैं, है ना बेटा, क्लियर? इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक. कि हर एक स्टेप क्या रिप्रेजेंट करता है? रैंक रिप्रेजेंट करता है, दैट इज टैक्सोन. टैक्सोन का मतलब ग्रुप. कि मम्मी घर के अंदर सारे यूटेंसिल्स को अरेंज करती है, तो भाई जितनी भी स्पून है सबको इकट्ठा करती है और उसको एक जगह पे रखती है. समझ में आया? बाद में कटोरी को इकट्ठा करके उसको अलग जगह पे रखती है, फिर प्लेट्स को, फिर ग्लासेस को. समझ में आया? तो अलग अलग टैक्सोन में, अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग रैंक में यहाँ पे अरेंजमेंट होती है ऑर्गेनिज्म की, दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. समझ में आया? क्लियर? यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टर वाइज अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है, दैट इज नोन एज कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. और यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट टू हाईएस्ट यूनिट के फॉर्म में लिखा जाता है, दैट इज नोन एज हायरार्की. उसको क्या बोलते हैं बेटा? हायरार्की. क्लियर? ऑल कैटेगरी टूगेदर कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की. तो यहाँ पे कितनी सारी कैटेगरी, कितने सारे ग्रुप्स दिखाए? स्पीसीज. ओके, सबसे छोटा सा यूनिट कौन सा है क्लासिफिकेशन का? मोस्ट इम्पोर्टेंट, नीट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. द स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन. ओके, उससे बड़ा कौन आएगा भाई? जीनस. कौन आएगा? जीनस. क्लियर? और जीनस से बड़ा कौन होगा? फैमिली. क्लियर? एंड फैमिली से ऊपर क्या होगा? ऑर्डर. ऑर्डर से बड़ा कौन होगा? क्लास. ओके, क्लियर? और क्लास से बड़ा कौन होगा? फाइलम. इन केस ऑफ एनिमल फाइलम, एंड इन केस ऑफ प्लांट इट इज डिवीजन. कौन होगा बेटा? डिवीजन होगा. और सबसे हाईएस्ट पोजीशन में कौन होगा? किंगडम. ओके, सो द किंगडम इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, नीट एमसीक्यू क्वेश्चन. एंड वॉट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और वॉट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? तो आंसर क्या आएगा भाई? स्पीसीज आएगा. समझ में आया बेटा? यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है,
कौन सा एग्जाम्पल है, किसका किसके किसका पूरा क्लासिफिकेशन है ह्यूमन का, होमो सेपियंस का. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ होमो सेपियंस. तो भाई होमो क्या है, जीनस है ना बेटा. सेपियंस क्या है, स्पीसीज. तो पहले क्या लिखेंगे हम, देखो नीचे स्पीसीज में क्या लिखेंगे, सेपियंस लिखा ना बेटा, सेपियंस. ओके उसके ऊपर क्या आएगा, जीनस. स्पीसीज से जीनस बड़ा, यस होमो. ओके हियर जीनस इज होमो. क्लियर. नेम द फैमिली ऑफ ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग की जो फैमिली है वो कौन सी है, तो आंसर क्या आएगा, होमोनिडी. ये सब याद रखना है, क्लियर, होमोनिडी. और उसका ऑर्डर कौन सा है, प्राइमेटा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, क्लियर. एंड प्राइमेटा के बाद क्या आएगा, क्लासेस आएगा. कौन से क्लास में इंक्लूड है हम, मैमेलिया. वी ऑल आर मैमल्स. ओके मैमेलिया का मतलब क्या है, वी ऑल आर मैमल्स मीन्स वी हैव मेमोरी ग्लैंड. ओके भाई मेमोरी ग्लैंड क्या करती है, कि यंग वन जब फॉर्म होता है तब उसको दूध पिलाने के लिए मेमोरी ग्लैंड होती है. क्या होती है बेटा, मेमोरी ग्लैंड होती है, क्लियर. और उससे ऊपर क्या होता है, फाइलम कॉर्डेटा. वी ऑल हैव वर्टिब्रल कॉलम, सो वी ऑल आर कॉर्डेट्स, क्लियर. और सबसे हाईएस्ट पोजीशन में वी ऑल आर एनिमलिया. ओके वी ऑल आर एनिमल्स. ओके तो हमारा किंगडम कौन सा है, एनिमलिया, क्लियर. तो ये हमारा क्या है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की. कि भाई ह्यूमन के टेक्सोनॉमिक हायरार्की में उसका बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, तो आंसर क्या आएगा, उसका स्पीसीज, दैट इज सेपियंस. और उसका लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा, एनिमल. लार्जेस्ट कौन होता है, ऑलवेज किंगडम, क्लियर. जितने भी एनिमल्स होंगे पूरे वर्ल्ड में सब किंगडम में आ जाएंगे, क्लियर. और स्पीसीज में क्या आएगा, पर्टिकुलर सिंगल ग्रुप वाला आएगा. फॉर एग्जाम्पल होमो सेपियंस, तो सेपियंस के जितने भी कैंडिडेट होंगे वो सब स्पीसीज में आएंगे. और नीचे से जैसे 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 ऊपर जाते होंगे नंबर ऑफ एनिमल बढ़ जाएंगे, एनिमल्स के नंबर बढ़ जाएंगे किंगडम में, तो सब एनिमल्स आ जाएंगे. कहां से, अमीबा से लेके ह्यूमन बींग तक, बीच वाले सब. समझ में आया बेटा, क्लियर. उसमें क्रो आ जाएगा, स्नेक आ जाएगा, सारे वाइल्ड एनिमल्स आ जाएंगे. ऑल आर इंक्लूडेड इन एनिमल या किंगडम. समझ में आया. नीचे क्या आएगा, पर्टिकुलर सिंगल स्पीसीज वाला आएगा. दैट्स व्हाई इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट. ओके याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की और टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, का आंसर क्या आएगा, स्पीसीज. लार्जेस्ट यूनिट बोलेंगे तो क्या आएगा भाई, आंसर किंगडम. और यहाँ एग्जाम्पल किसका दिया है हमें, होमो सेपियंस के टेक्सोनॉमिक हायरार्की का एग्जाम्पल मैंने लिया है. ओके क्लियर. व्हाट इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, व्हाट इज टेक्सोनॉमिक हायरार्की. तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टर के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं बेटा, अरेंज करते हैं. वो अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग नाम है, उसको रैंक भी बोलते हैं, उसको टैक्सोन भी बोलते हैं. समझ में आया बेटा. तो यहाँ पे स्मॉल से लेके लार्जेस्ट ग्रुप तक ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया है, क्लियर. तो दिस इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की. हमें ये परफेक्टली लर्न करना है, ये पूरी सीक्वेंस लर्न करनी है. सबसे नीचे क्या आएगा, चलो रिपीट करते हैं, स्पीसीज, उसके ऊपर जीनस, उसके ऊपर फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लासेस, क्लासेस के बाद फाइलम, एंड फाइलम के बाद किंगडम. ये आपको 5 times लिख के लर्न करना ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन. ये सीक्वेंस भी आती है एग्जाम में. ओके बेटा क्लियर. टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये हर एक को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, टैक्सोन बोलते हैं, रैंक बोलते हैं. अलग अलग कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया गया है. ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, हो जाएंगे. ओके बेटा कंप्लीटली 5 times लिख के लर्न करो, इम्पोर्टेंट है. ओके चलो थैंक यू. स्टूडेंट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीसीज. ओके भाई दिस इज टेक्सोनॉमिक हायरार्की, वी ऑलरेडी स्टडीड. ओके एंड द बेसिक यूनिट ऑफ दिस हायरार्की इज स्पीसीज. कौन है बेटा, स्पीसीज है. तो चलो भी हम स्पीसीज के बारे में डिटेल लर्न करते हैं. ओके तो व्हाट इज स्पीसीज, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. सबसे बेस पे है ना बेटा,
सबसे छोटू सा है, स्मॉलेस्ट है, बेसिक है, सो इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. आंसर कौन आएगा? स्पीसीज. सेकेंड, स्पीसीज में कौन सा ग्रुप आएगा? देखो, होमो सेपियंस, सेपियंस इज अ स्पीसीज, तो सारे ह्यूमन बींग अभी के है वो सब आ जाएंगे उसके अंदर, जिसके मैक्सिमम कैरेक्टर सेम है. ओके, उसको किसमें इंक्लूड किया जाता है? सेम स्पीसीज में. ओके, कि इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी. कि भाई जो ऑर्गेनिज्म में बेसिक सिमिलरिटी सेम होगी, मैक्सिमम सिमिलरिटी सेम होगी, उसको एक ग्रुप में रखा जाता है और वो ग्रुप का नाम है स्पीसीज. समझ में आया? होमो सेपियंस हमारे स्पीसीज है, सेपियंस, वी ऑल ह्यूमन बींग इंक्लूडेड इन विथ स्पीसीज सेपियंस. हमारे में मैक्सिमम क्या है? सिमिलरिटी है, इसीलिए सेम स्पीसीज में. कभी काउ को और ह्यूमन को सेम स्पीसीज में नहीं रखेंगे, कभी डॉग को और काउ को सेम स्पीसीज में नहीं रखेंगे, बिकॉज ऑल आर मैमल्स. लेकिन सब थोड़ी तो डिसिमिलरिटी है ना, थोड़ा तो डिफरेंस है ना, क्लियर? तो भाई जो ऑर्गेनिज्म के अंदर मैक्सिमम सिमिलरिटी है उसको किस में रखा जाता है बेटा? सेम स्पीसीज में. क्लियर? ओके, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी. ओके, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैज सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. मीन्स हम सबके मॉर्फोलॉजी सेम है. ह्यूमन बींग की बात करती हूँ, कौन सा स्पीसीज में है बोलो तो? सेपियंस स्पीसीज. कौन सी? सेपियंस. कि भाई हम किसके थ्रू वॉक करते हैं? लेग्स के थ्रू. सबके दो हाथ है, ओके, सबके दो आईज होती है, किसी के सींग है? नहीं है भाई. क्लियर? तो भाई हमारी सिमिलरिटी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की सिमिलरिटी कैसी? मैक्सिमम है बेटा. ओके, एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, कि भाई ह्यूमन बींग रिप्रोडक्शन कर सकता है, अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकता है, कि भाई हमारी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की भी सिमिलरिटी ज्यादा है. दैट्स व्हाई वी ऑल आर प्लेस्ड इन सेम स्पीसीज. और हमारी स्पीसीज कौन सी बोलो? वी ऑल आर होमो सेपियंस. होमो जीनस है, होमो क्या है? जीनस. एंड सेपियंस क्या है? स्पीसीज है. ये समझ में आया? कि जो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज का होता है उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम होते हैं. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मीन्स बाहर के कैरेक्टर, कि भाई टू आईज है, वन नोज है, समझ में आया? टू हैंड, टू लेग्स, दिस ऑल आर मॉर्फोलॉजी. समझ लिया? एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. ओके, तो भी जो ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम होगे और उसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर सेम होंगे तो उसको किस में रखेंगे? सेम स्पीसीज में रखेंगे. समझ में आया बेटा? क्लियर? इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज कैन इंटरप्रेट कि भाई ह्यूमन बींग की शादी ह्यूमन बींग के साथ ही होती है. यस, कि भाई मेल की शादी फीमेल के साथ होती है. क्लियर? ओके, उनके बीच में इंटरब्रीड होता है और जो भी प्रोजेनी फॉर्म होती है, जो भी बच्चा फॉर्म होता है वो फर्टाइल फॉर्म होता है. मीन्स वो भी अपनी प्रोजेनी फॉर्म कर सकता है. ये किसके अंदर पॉसिबल है? सेम स्पीसीज के बीच में. समझ नहीं आया? कि ह्यूमन बींग की शादी ह्यूमन बींग की होती है, कि कोई बफेलो के साथ नहीं होती है मेल की शादी. समझ नहीं आया? फीमेल की शादी कोई काउकस कोई मेल बफेलो मेल के साथ नहीं होती है, अलग कास्ट के. समझ नहीं आया आपको? समझ में क्या बोलने जा रही हूँ? कि भी ह्यूमन का ह्यूमन में मेल होता है फीमेल होता है, तो मेल की शादी किसके साथ करवाती है? फीमेल के साथ. उसकी जो ऑफस्प्रिंग होती है वो फर्टाइल होती है. क्लियर? ह्यूमन की शादी हम मंकी के साथ भी नहीं कर सकते, काऊ के साथ भी नहीं कर सकते. ओके, तो भी इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज कैन इंटरब्रीड, के उसके बीच में इंटरब्रीडिंग पॉसिबल है एंड फॉर्म फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. उसका जो बच्चा आएगा वो भी फर्टाइल होगा. ओके, एंड लास्ट, ये स्पीसीज के बारे में सारा कॉन्सेप्ट किस कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था? ये नीट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. अर्नस्ट मेयर. साइंटिस्ट का नाम क्या है बेटा? अर्नस्ट मेयर. कि भाई स्पीसीज कॉन्सेप्ट प्रपोज बाय विच साइंटिस्ट का आंसर है बेटा? अर्नस्ट मेयर. क्लियर? ही वॉज नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. ये नीट का क्वेश्चन. ही वॉज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. उसको 20th सेंचुरी का क्या बोलते हैं बेटा? डार्विन बोलते हैं. किसको? अर्नस्ट मेयर को. मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो भाई स्पीसीज कॉन्सेप्ट, स्पीसीज के बारे में जितना भी हमें जानकारी है किसने दी थी? ये साइंटिस्ट ने दी थी. समझ में आया बेटा? स्पीसीज क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन.
कि भाई ये ग्रुप में ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिसके मैक्सिमम कैरेक्टर सेम होते हैं। समझ में आया कौन कौन से कैरेक्टर? तो एक तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और दूसरे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, क्लियर। और ये सारे ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे से इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ में, मैटिंग कर पाते हैं, और मैटिंग से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो अपस्ट्रीम बनती है वो भी फर्टाइल होती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अर्नस्ट मीयर करके साइंटिस्ट था, he was known as Darwin of 20th century. Clear beta? Okay. Thank you. Let us see some example of species. Okay beta? These are given some scientific name of plants and animals. तो भी देखते भी किसका साइंटिफिक नेम क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। मैंजिफेरा इंडिका, इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। किसका नाम है भाई? मैंगो का। हियर मैंजिफेरा इज जीनस एंड इंडिका इज स्पीसीज। ओके बेटा, द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटेटो इज कौन सा है बेटा? सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या है बेटा? सोलेनम ट्यूबरोसम। ओके बेटा, हियर सोलेनम इज जीनस एंड ट्यूबरोसम इज स्पीसीज। Now the scientific name of lion is Panthera leo. क्या है बेटा? Panthera is genus, leo is species. Okay, here as we look here, कि भाई genus are different as well as species are different. Clear बेटा? और नीचे देखो भाई कि भाई what is the scientific name of tiger? Panthera tigris. है ना? What is the scientific name of leopard? क्या है बेटा? Panthera pardus. क्या है बेटा? Panthera pardus. तो here Panthera is the genus. Okay? Only species are different because the organism are different. Clear? कि भाई different species है लेकिन genus same है, means most of criteria similar है, but all criteria are not similar, so they are placed in different species. Okay बेटा? Solanum melongena, it is a scientific name of brinjal. Okay, Solanum tuberosum, it is a scientific name of potato. Okay, tisra bhi scientific name hai Solanum nigrum. Okay, third name is Solanum nigrum. So here the Solanum is the same genus, but the species are different. As the species different, plants also different, animals are different. Samajh mein aaya beta? Clear? The same character wale organism ko same species mein rakhte. If the single character got changed, then species got changed. Samajh mein aaya beta? Clear? Okay. Now dekhte hain ki what is the scientific name of extinct human race? Ki bhai extinct human race ka scientific name kya hai? To answer kya aayega? Homo erectus. Yaad rakhna hai. Most important question, okay? कि भाई scientific name of extinct human race, extinct means पहले वाली, अभी नहीं है वो, है ना बेटा? उसका नाम है Homo erectus, and the scientific name of human being क्या है बेटा? Homo sapiens, and the scientific name of modern man कि आज का जो man है that is known as advanced man, दूसरा नाम है modern man. उसका साइंटिफिक नेम कौन सा होगा? तो आंसर क्या है बेटा? होमो सेपियंस सेपियंस। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई होमो इज द जीनस। ओके बेटा, जीनस आर सेम, आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, जीनस तो सेम ही है। हमारे पूर्वज है वो होमो इरेक्टस वाले थे लेकिन जीनस सेम थे, मोस्ट ऑफ कैरेक्टर सिमिलर थे। समझ में आया बेटा? एंड स्पीसीज आर डिफरेंट, क्लियर। ओके, स्पीसीज में क्या होती है बेटा? जो ऑर्गेनिज्म के सारे करेक्टर सेम होते हैं उसको एक स्पीसीज में रखा जाता है, और करेक्टर चेंज होते हैं तो उसके अलग अलग स्पीसीज में रखा जाता है। समझ में आया? जीनस एक हो सकता है लेकिन स्पीसीज कभी एक नहीं हो सकती सारे ऑर्गेनिज्म के। ओके, लुक हियर, पैंथेरा जीनस हैज थ्री स्पीसीज। ये पैंथेरा जीनस की कितनी स्पीसीज है? तीन, लियो टाइगरिस पार्डस, ओके, लायन टाइगर एंड लेपर्ड। ओके, तीनों कौन से जीनस के अंदर में है? तो आंसर आएगा पैंथेरा। अर्सस, तीनों की स्पीसीज अलग अलग है बिकॉज एक और कैरेक्टर अलग अलग है, दैट्स व्हाई। समझ में आया बेटा? देन सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड सोलेनम नेक्रम। ओके, सोलेनम इज स्पीसीज, सेम स्पीसीज है, सॉरी सेम
क्या है, जीनस सेम है लेकिन उसके स्पीसीज अलग अलग है, मीन्स उसके कैरेक्टर अलग अलग है. ओके, पोटेटो अलग होता है, ब्रिंजल अलग होता है, निग्राम इट इज अ पिलोरी, ओके वो भी अलग होता है, राउंड कलर का, स्वीट स्वीट टेस्ट का, ये छोटा सा फ्रूट है पिलोरी. ओके, उसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम निग्रम. क्लियर? तो हियर द जीनस इज सेम बट स्पीसीज आर डिफरेंट, सो प्लांट्स आर डिफरेंट. समझ में आया कि उसके कैरेक्टर अलग है इसीलिए सबकी स्पीसीज अलग अलग है. क्लियर? यहाँ पे होमो जीनस सेम है लेकिन स्पीसीज अलग अलग है. क्लियर? पैंथेरा जीनस सेम है, स्पीसीज अलग अलग है. तो भाई एग्जाम में क्या आता है बेटा, ये सबके साइंटिफिक नेम आते हैं. मैं भी आपकी एग्जाम लूंगी ना तब ये सब पूछूंगी. समझ में आया? तो हमने चलो रिवाइज कर देते. साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो क्या है बोलो तो, मैंजीफेरा इंडिका. साइंटिफिक नेम ऑफ पोटेटो क्या आएगा, सोलेनम ट्यूबरोसम. साइंटिफिक नेम ऑफ लायन, पैंथेरा लियो. साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस. देन लेपर्ड, पैंथेरा पार्डस. ब्रिंजल, सोलेनम मेलोंजीना. याद रखना है बेटा. पिलुरी, सोलेनम निग्रम. देन साइंटिफिक नेम ऑफ एक्सटिंक्ट ह्यूमन रेस क्या होगा, होमो इरेक्टस. साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग ऐसा पूछेंगे तो आंसर आएगा होमो सेपियंस. एंड साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन और एडवांस मैन आंसर आएगा बेटा होमो सेपियंस सेपियंस. तो दिस आर 10 साइंटिफिक नेम. समझ में आया? क्लियर? जीनस सेम है बट स्पीसीज आर डिफरेंट. स्पीसीज डिफरेंट क्यों हो गई, उसके कैरेक्टर डिफरेंट हो गए, एक आध दो कैरेक्टर रिप्रोडक्टिव मैटिंग वाले कैरेक्टर अलग हो गए, इसीलिए सबको अलग अलग स्पीसीज में रखा गया है. ओके बेटा,